हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षा लिया। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आज से अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पिछले रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो आपका पहला चैप्टर है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पर नहीं आकर के हम लोग आज से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन की हम लोग बाद में बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अ वेरी कॉमन और अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिव्यू ऑफ नीट। इस टॉपिक को बहुत लोग नहीं पढ़ाना चाहते। आपको यहाँ पे एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही डीप ब्रीफ में दी जाएगी। सो लेट्स कम एंड मोर एंड ज्वाइन विद अस। सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन क्या होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि वन सेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल अलग होता है, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेल एंड फीमेल बॉडी जो होती है ह्यूमन की, वो फुल्ली हार्मोन के तरफ से, फुल्ली रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से और रिप्रोडक्शन पार्ट की वजह से, रिप्रोडक्टिव पार्ट की वजह से फुल्ली वेल डेवलप्ड होती है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो दैट टर्म इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और यूनिसेक्सुअल आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने जाऊँगा फेजेस की। सबसे पहला वीडियो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक इंट्रो वीडियो होगी जो कि आपको पूरे, आपको जो मैं फेज बताऊँगा आपके पूरे वीडियो में, जो भी जहाँ तक भी ये चैप्टर चलेगा, मैं सिर्फ ये फेज यूज़ करूँगा और आपको समझना होगा। इसलिए आपको ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखनी होगी। मैं एक एक फेज को यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सबसे पहला जो फेज हम लोग बात करेंगे वो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब हम लोग अगर मेल के टर्म में बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और अगर हम लोग फीमेल के टर्म में बात करें तो ओवम का फॉर्मेशन होना। स्पर्म का फॉर्मेशन होना दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम का फॉर्मेशन होना दैट इज ओजेनेसिस। ये मेल के टर्म में होगा, ये फीमेल के टर्म में होगा, इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और उसके फेजेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वन बाय वन प्रोसेस करते चले जाएंगे कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुई और ओजेनेसिस प्रोसेस हुई। सेकंड वन इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल ट्रैक्ट। फीमेल ट्रैक्ट मींस दैट इज कम्स विद द और जॉइंट विद द वेजाइना, मतलब इंसेमिनेशन, स्पर्म का जो फॉर्मेशन मेल में हुआ वो फीमेल के गैमेट के ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन प्रोसेस कहलाता है, मतलब स्पर्म का फीमेल ट्रैक्ट में अपलोडिंग होना, दैट इज बाय द कॉपुलेशन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज इंसेमिनेशन। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, ये जो स्पर्म है वो फीमेल के ट्रैक्ट पे चला गया, ट्रैक्ट से यूटेरस पे चला गया, यूटेरस से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 2N होता है, ठीक है, डिप्लॉयड है हमारे ह्यूमन में, डिप्लॉयड जायगोट फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो एक टर्म आता है दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज में बहुत लोगों को शक होता है, क्लीवेज में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, क्लीवेज जो चीज़ वो समझते हैं, क्लीवेज वो चीज़ होती ही नहीं है। क्लीवेज का सिंपल सा मतलब होता है डिविजन। डिविजन किस चीज़ का, जायगोट का डिविजन, सेल्स का डिवीजन, सेल्स का एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल का बनना जो होता है, उस टर्म को यूज़ किया जाता है क्लीवेज। तो इसमें वेरी क्लियर कट याद रखिएगा कि क्लीवेज का सिंपल सा मतलब होता है जायगोट में डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आएगी, क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया मेल गैमेट का, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने पिछले रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जायगोट से जो बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्टेज होते हैं, दैट इज ब्लास्टुला, मोरुला, ये सब आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वहाँ पे देखिए, मैंने इसको ब्रीफ में वहाँ पे समझाया हुआ है। और ये स्टेज यहाँ पे आती है, इसके बाद फिर उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फिक्सिंग ऑफ द स्ट्रक्चर टू द थिंग इन द यूटेराइन टिश्यू, मतलब जो यहाँ से जो जायगोट बन करके आ रहा है, जायगोट का डिविजन होकर के आ रहा है, वो एक जगह यूटेरस में यूटेराइन टिश्यू के साथ आकर के अटैच होना और फिक्स होना। और प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग फिक्सिंग की बात करेंगे, दैट इज द टर्म इज प्लेसेंटेशन, जिसको हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा इज द ओनली थिंग, अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेसेंटा से ही बेबी का पूरा फुली न्यूट्रिशन होता है, जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, मदर प्रोवाइड करती है, वो थ्रू द प्लेसेंटा होता है, ठीक है। आपने प्लेसेंटल कॉर्ड भी देखा होगा, जब बेबी कोई बर्थ करता है तो मदर से और बेबी जो ज्वाइन होता है वो एक कॉर्ड के थ्रू ज्वाइन होता है, दैट इज द प्लेसेंटल कॉर्ड, ठीक है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से जो चीजें इम्प्लांट हुई है, मतलब कि आकर के जुड़ी है, उसको प्रॉपर तरीके से
रखना, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद जो फेज आता है दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मैंने वहां पे बताया था, आप अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की पिछली वीडियो में जाकर के अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग बट द थ्री जर्म लेयर। अब थ्री जर्म लेयर वहां पे मैंने नहीं बताया था कि क्या होगा, मैंने बताया था कि हम लोग आगे बात करेंगे। थ्री जर्म लेयर मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। फर्स्ट वन इज एक्टो, सेकेंड वन इज मेसो, एंड थर्ड वन इज एंडो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर आपके फॉर्म होते हैं इन द फेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन। और यही जो तीनों जर्म लेयर फॉर्म होते हैं ये एक बेबी का पूरा ऑर्गन बनाते हैं। जी हाँ, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म जो होता है वो पूरे बेबी का जो ऑर्गन बनाता है वो यही तीनों जर्म लेयर बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन होना। जेनेसिस का मतलब हमेशा यही होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, विच इज दी थ्री जर्म लेयर बाय दी गैस्ट्रुलेशन फेज। अब यहां पे हम लोग लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। फ्रॉम द बिगनिंग वी आर कमिंग ऑन द एंड स्टेज दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल बॉडी। मतलब कि ये जो गैस्ट्रुलेशन फेज हो गया, ऑर्गन्स पूरे तरीके से वेल डेवलप्ड हो गए, उसके बाद जो एक्सपेलिंग प्रोसेस होती है बाय द फीमेल बॉडी, एम्ब्रियो में आना, उसके बाद उसका बेबी का टर्न होना। आपको अगर बता दूं, आपने अगर कभी अल्ट्रासाउंड बेबी का अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा आप मेडिकल फील्ड में ऊपर आइएगा तो आप देखिएगा, जो बेबी होता है वो पहले जो होता है उसका जो हेड पोजीशन होता है वो कुछ इस साइड से होता है। और यूटेरस की हम लोग अगर बात करें तो यूटेरस कुछ ऐसा होता है, बट यूटेरस की जो ओपनिंग होती है वो ऐसे होती है और बेबी का जो हेड होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम लोग अगर बात करें तो ड्यूरिंग दिस फेज, हम लोग एक ह्यूमन के टर्म में बात करेंगे, एनिमल के टर्म में मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो दैट दिस टर्म इज गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि ये जो बेबी का हेड है ये बिल्कुल अपर साइड में होता है थ्रू द ओपनिंग ऑफ वजाइना और थ्रू द ओपनिंग ऑफ यूटेरस। तो ये क्या होता है, हम लोग बात करते हैं 280 days और 9 months, दैट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन बींग। ये जो बेबी होता है ये 280 डेज में फुली फॉर्म होकर के ये टर्न होता है और रोटेट करता है 360 degree और आपके यूटेरस के ओपनिंग की तरफ इसका हेड आता है, दैट इज द गेस्टेशन पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ फेजेस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।